हमारी सरकार का कभी भी मीडिया के काम में इंटरफेरेंस का दखल ही नहीं, मतलब हमारा एटीट्यूड ही नहीं है, ना उस वक्त करा था ना आज करा था। देखिए, आज अफसोस की ये बात है कि आज की पत्रकारिता की पब्लिक मेमोरी बहुत, याददाश्त बहुत कम हो गई है। 2002 में गोधरा कांड के जनसंहार के बाद कई बार मोदी सरकार, मोदी उस वक्त वहाँ पे मुख्यमंत्री थे, आज प्रधानमंत्री है देश के, उस वक्त उन्होंने कई बार चैनलों पे प्रतिबंध लगाने के कदम उठाने की कोशिश की। एक बार उन्होंने कदम उठा भी दिया और इत्तेफाक से वो चैनल स्टार एनडीटीवी स्टार था, वो जो साथ में तब चला रहे थे बरखा दत्त और राजदीप सरदेसाई के काम से नाखुश थे वो, क्योंकि सवाल जो उठाए जा रहे थे वो बहुत तकलीफमंद थे गुजरात सरकार के लिए। आज तक हेमंत पुरोहित के ऊपर भी केस किया गया, जब आज तक ने ऑपरेशन कलंक, आशीष खेतान और तेलका का ऑपरेशन कलंक 2007 में दिखाया, तो हेमंत पुरोहित के व्यक्तिगत स्तर पर उनके ऊपर एक क्रिमिनल केस और FIR भी दर्ज करने की कोशिश की। पत्रकारिता की आज़ादी पे कदम उठाना, चुप करने की कोशिश करना, डराना, धमकाना और कई तरीके मोदी जी के लिए कुछ नई चीज़ नहीं। तहलका द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि इसका आगे पीछे का पूरा फुटेज जब आया तब मालूम पड़ा कि स्टिंग ऑपरेशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। कुछ आइडियोलॉजी के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ NGO ने मिलकर, इस त्रिकूट ने मिलकर ये आरोपों को इतना प्रचारित किया और इसका इकोसिस्टम भी इतना मजबूत था कि धीरे धीरे झूठ को ही सब सत्य मानने लगे। पर उसकी गोधरा कांड के बाद जो रिप्राइजल्स किलिंग हुए उनमें 1926 जाने गई, 1926 जाने गई, ये CJP एस्टैब्लिश कर रहा है FIR और चार्जशीट लगा करके, ताकि जो पार्लियामेंट में अक्सर झूठ बोला जाता है 700-800 जानों को लेकर, वो वंस एंड फॉर ऑल वो झूठ साबित हो जाए, वो डॉक्यूमेंट इंशाल्लाह ये महीने में ही तैयार हो जाएगा। द गुजरात पुलिस क्राइम ब्रांच ऑन संडे अरेस्टेड तीस्ता सेतलवाद इन कनेक्शन विद अ केस ऑन हर NGO व्हिच गिव बेसलेस इंफॉर्मेशन अबाउट द 2002 गुजरात रायट्स टू द पुलिस। The Gujarat police will produce her in the court at 3 p.m. today and will seek 14 days of custody as she is not cooperating in the investigation. The action came after Union Minister Amit Shah in an interview with ANI said that Teesta Setalwad runs the NGO and gives baseless information about the 2002 Gujarat riots to the police. सबसे पहले 19 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ ने आज जो जजमेंट दिया है, उस जजमेंट से मोदी जी पर लगे हुए सारे गलत आरोप को खारिज कर दिया गया और ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों ने उस आरोपों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से लगाया था, टू कीप द पॉट बॉइलिंग कहा, वेस्टेड इंटरेस्ट था। कौन थे वो आपके हिसाब से? नाम मैं बताता हूं बाद में। और तीसरा, इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो धब्बा लगा था वो भी धुला है, और मोदी जी जैसे वैश्विक नेता पर जो गलत आरोप लगाए थे, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर मोदी जी ने संविधान का सम्मान कैसे हो सकता है, इसका एक आदर्श उदाहरण सभी राजनीति में काम करने वाले लोगों के सामने करा है। मोदी जी की भी पूछताछ हुई थी, किसी ने धरना प्रदर्शन नहीं करा था, देश भर से कार्यकर्ता आकर मोदी जी के समर्थन में सॉलिडारिटी के लिए खड़े नहीं हुए थे, हम कानून को कॉपरेट किए थे, मेरी भी अरेस्ट हुई थी, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करे थे। और जब सत्य इतनी लंबी लड़ाई के बाद बाहर आता है विजयी होकर, तो सोने से भी ज्यादा उसकी चमक होती है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जिन लोगों ने भी मोदी जी पर आरोप लगाए थे, अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्होंने मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की क्षमा मांगनी चाहिए। सिर्फ आरोप लगे थे क्या, दंगे हुए तो थे ना? आरोप क्या था, दंगे मोटिवेटेड थे, दंगों में राज्य सरकार का हाथ था, दंगों में मुख्यमंत्री का हाथ था, यहां तक भी कह गए, आरोप ये था।
दंगे से कौन इनकार कर रहा है? देश में दंगे कई जगह पे हुए हैं। आज जब जजमेंट आया है तब तय हो गया है कि जजमेंट में लिखा हुआ नाम मैं बोलता हूं, एक पुलिस अफसर का नाम दिया है, एक एनजीओ का नाम दिया है और कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स का नाम दिया है। ये तीनों ने मिलकर जजमेंट के अंदर ये स्पष्ट कर दिया है कि सनसनी खड़ी करने के लिए झूठ बातों को फैलाया गया। Former IPS officer R.B. Srikumar was arrested yesterday and Teesta Setalwad was arrested today. Forging of evidence and hindering with evidence will be looked into. The accused are not supporting us in the investigation. We are demanding 14 days of custody. Teesta will be produced in front of the magistrate and all her statements will be recorded there. In Bengaluru, a protest was held today by progressives against the arrest of Teesta Setalwad and former IPS R.B. Srikumar. Prominent activists from Karnataka were present during the protest.